हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपके ह्यूज डिमांड पे इस साल के न्यूली रिलीज तोशिबा M650MP मिनी LED QLED टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ। मैं इस टीवी को खरीदने में बहुत हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर का मॉडल तोशिबा M550LP मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बार बार रिक्वेस्ट की, तो मुझे इस टीवी को खरीदना ही पड़ा। मैंने इसे दिन रात बहुत बारीकी से हर तरह का कंटेंट चलाकर टेस्ट किया है, साथ ही साथ इसे दूसरे टीवी के साइड बाय साइड भी रखकर चेक किया है। वो कंपैरिजन भी आप आगे इसी वीडियो में देखेंगे और मेरा इस टीवी को लेकर जो भी एक्सपीरियंस है उसे मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करूंगी। इस चैनल पे हम किसी कंपनी के लिए नहीं बल्कि आपके हित के लिए काम करते हैं और हर प्रोडक्ट की वो सच्चाई आपको बताते हैं जो दूसरे आपसे छुपाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टीवी के प्रोस के साथ साथ कॉन्स भी जानेंगे। अगर आप इस टीवी को खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपको एमा मैट्रेस के बारे में बताना चाहती हूं, जो एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जिसने ऑलरेडी 33+ कंट्रीज में पॉपुलैरिटी गेन की हुई है। इस मैट्रेस पे आपको अल्टीमेट लेवल का कंफर्ट मिलता है जो किसी 5-स्टार होटल के बेड को रेप्लिकेट करता है। एमा मैट्रेस अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से यूरोप में ऑलरेडी बेस्ट सेलर है और अब इस कंपनी ने इंडिया में भी एंट्री ले ली है। ये मैट्रेस कंपनी ने मुझे टेस्टिंग के लिए भेजी थी और अपनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैट्रेसेस में से उन्होंने मुझे मेरे अकॉर्डिंग मैट्रेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था। फॉर्चुनेटली मैंने कंफर्ट को प्रेफरेंस देते हुए एमा हाइब्रिड मैट्रेस चूज की, क्योंकि मैं बहुत दिनों से किसी ऐसी मैट्रेस की तलाश में थी जो 5-स्टार होटल के जैसा कंफर्ट तो दे लेकिन उनके जैसे लाखों में ना मिले। ये हाइब्रिड मैट्रेस स्प्रिंग और मेमोरी फोम का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये सॉफ्ट होने के साथ साथ फर्म भी है। ये इस चैनल का पहला वीडियो इंटीग्रेशन है जो मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ये सचमुच बहुत ही कंफर्टेबल मैट्रेस है। याद रखिए, आप इसे खरीदेंगे तो मुझे थैंक्स जरूर कहेंगे। इस पे इतनी अच्छी नींद आती है कि पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई और आप मॉर्निंग में बिल्कुल फ्रेश उठते हैं बिना किसी बॉडी पेन के। इस मैट्रेस के वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। इनकी सभी मैट्रेस बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड हैं। आप वहां जाकर इनकी मैट्रेसेस की वैरायटी को एक्सप्लोर करके अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो तोशिबा M650MP टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा 2 पीस मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड, 1 रिमोट, 2 AA बैटरीज, कुछ स्क्रूज, 1 वॉल माउंट, 1 यूजर मैनुअल और 1 वारंटी कार्ड रखा मिलता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी बजट कैटेगरी के टीवी के हिसाब से डिसेंट है और डिजाइन भी अट्रैक्टिव है। 3 साइड से टीवी ऑलमोस्ट बेजललेस है और नीचे की ओर दिया गया ब्रश्ड मेटालिक लुक सिल्वर बेजल भी स्लिम ही है। बेजल से ही मैच करते सिल्वर मेटालिक स्टैंड दिए गए हैं। टीवी की साइड प्रोफाइल भी अल्ट्रा स्लिम है। बैक में ब्लैक प्लास्टिक पे सेल्फ डिजाइनिंग दी गई है। पीछे की ओर ही स्पीकर्स और सब वूफर का प्लेसमेंट दिया गया है। 2 पोर्ट्स को छोड़कर सभी पोर्ट्स साइड्स में दी गई हैं। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी एलिगेंट और स्मार्ट दिखता है। रिमोट की बात की जाए तो वो IR+ ब्लूटूथ है और पकड़ने में काफी भारी भी है क्योंकि इसमें AA बैटरीज का प्रोविजन दिया गया है। इस बार मुझे टीवी का रिमोट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये भारी होने के साथ साथ काफी बड़ा भी है और एक प्लास्टिक की फील इम्पार्ट करता है। एजेस काफी शार्प हैं जो इस रिमोट को एक चीप फील देते हैं। अब की बार कंपनी ने इस रिमोट में BetaOS के लगभग सारे ही एप्लीकेशंस की हॉटकीज दे दी है। इसके बिहाइंड उनकी क्या थिंकिंग थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बल्कि इतने बटन्स एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और अंधेरे में सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्हें यूज करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा इस वॉइस कंट्रोल रिमोट में नंबर बटन्स भी दिए गए हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो तोशिबा के इस टीवी में 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं। HDMI ARC और CC के अलावा इसमें HDMI EARC भी दी गई है। इस टीवी में HDMI 2.1 पोर्ट दी गई है। इसके अलावा टीवी में एंटीना पोर्ट, AV-IN पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, हेडफोन जैक, ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट और कॉम्पोजिट इनपुट पोर्ट्स भी हैं। ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है। इसमें DLNA, मीराकास्ट, एयरप्ले और गूगल क्रोमकास्ट भी दिया गया है। अब बात करते हैं कंपनी द्वारा दिए गए फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की।
तो ये टीवी ए प्लस ग्रेड अल्ट्रा विविड डीलेट पैनल के साथ आता है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये एक मिनी एलईडी क्यूलेट टीवी है जो 60 हर्ट्ज़ ए प्लस ग्रेड 10 बिट पैनल के साथ आता है। ये टीवी फुल अरे लोकल डिमिंग एग्जिबिट करता है और कंपनी का कहना है कि टीवी में 120 डिमिंग जोन्स के साथ साथ 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है। टीवी में क्यूलेट व्हाइट कलर गैमेट दिया गया है। टीवी का रिस्पॉन्स टाइम 8 मिलीसेकंड है और इसमें आपको ALLM और VRR का सपोर्ट भी दिया गया है। टीवी में HDR 10 प्लस डॉल्बी विजन HLG तीनों का सपोर्ट मिल जाता है। पिक्चर क्वालिटी इन्हांसमेंट के लिए इस टीवी में रेक्सा इंजन ZR PQ दिया गया है। साथ में है AI पिक्चर ऑप्टिमाइजर। इन्हांस्ड ऑडियो परफॉर्मेंस के लिए रेक्सा पावर ऑडियो प्रो दिया गया है। इस टीवी में 49 वॉट का स्पीकर सिस्टम दिया गया है जिसमें 3 स्पीकर्स और 25 वॉट का 2 बेस सबवूफर सिस्टम भी शामिल है। ये टीवी डॉल्बी ऑडियो DTS HD और डॉल्बी एटमस तीनों को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ 360 सराउंड अपस्केलिंग भी दी गई है। टीवी में स्पोर्ट्स मोड के साथ साथ गेम मोड भी दिया गया है। मोशन ब्लर को रिड्यूस करने के लिए टीवी में ZR मोशन दिया गया है। कंपनी क्लेम करती है कि इस टीवी में दिया गया अल्टीमेट मोशन और अल्ट्रा विजन 120 मोशन को कंट्रोल में रखते हैं। ये टीवी वीडा OS के साथ आता है। इसमें 4GB स्टोरेज और 1.5GB रैम दी गई है। ग्राफिक्स के लिए इसमें ARM माली G52 MC1 550 प्रोसेसर लगाया गया है। तो ये सब थी कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस की। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस रिव्यू में मैं जब भी इस टीवी के बारे में कुछ बताऊंगी तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए मैं आपको टीवी की सेटिंग्स भी दिखाऊंगी। इससे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहेगी और आप इस टीवी के बारे में सब कुछ अच्छे से बिना किसी डाउट के जान पाएंगे। तो यहाँ से इस रिव्यू को गौर से देखिएगा क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाऊंगी वो कोई भी दूसरा चैनल न दिखाएगा न बताएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये एक 8-bit प्लस FRC BA पैनल टीवी है। टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं है। ग्रे स्क्रीन पे स्कैटर डार्क पैचेस क्लियरली नजर आते हैं जो साइड से देखने पे थोड़े ज्यादा डार्क लगने लगते हैं। साइड से देखने पे स्क्रीन पे स्कैटर्ड येलो पैचेस भी दिखते हैं। इसके अलावा जब हमने ग्रे यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए लाइट ग्रे बैकग्राउंड प्ले किया तो सरप्राइजिंगली बैकलाइट्स क्लियरली विजिबल हुई जो कैमरा के थ्रू और भी ज्यादा इविडेंट हो जाती हैं। ये चीज मैंने अभी तक किसी भी दूसरे फॉल टीवी में ऑब्जर्व नहीं की है। टीवी की ब्लैक यूनिफॉर्मिटी अच्छी है और इस टीवी के ब्लैक्स काफी डीप लगते हैं। ब्लूमिंग की बात की जाए तो टीवी में ब्लूमिंग का कोई इशू नहीं है। बहुत नेग्लिजिबल सी ब्लूमिंग है जो ऑलमोस्ट हर फॉल टीवी में दिखती ही है। जहां तक ब्राइटनेस की बात है तो मेजर करने पे इस टीवी की HDR पीक ब्राइटनेस 49% विंडो में मैक्सिमम 476.3 निकली और 100% विंडो में टीवी की ब्राइटनेस 378.4 निकली। टीवी की स्क्रीन पे ब्राइटनेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। टीवी के साइड्स में सेंटर के मुकाबले ज्यादा ब्राइटनेस है। डिमिंग जोन्स की बात की जाए तो इस टीवी की होराइजोंटल रो में 10 डिमिंग जोन्स हैं और वर्टिकल रो में 12 जोन्स हैं, जिसका मतलब टीवी में टोटल 120 डिमिंग जोन्स दी गई हैं। अब आती है बारी इसकी पिक्चर क्वालिटी की। तो वीडियो के बीच बीच में मैं इस तोशिबा टीवी को एक हायर ब्रांड के मिड रेंज फॉल टीवी के साइड बाई साइड रख के आपको सब समझाऊंगी, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस एक आइडियल डॉल्बी विजन टीवी से कितना इंफीरियर है। पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स टीवी की पिक्चर सेटिंग्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, या कहिए एक डिजास्टर है। डॉल्बी विजन ब्राइट हो या फिर डॉल्बी विजन डार्क, दोनों ही सेटिंग्स में लाइफलेस फॉगी और डार्क पिक्चर्स मिलती हैं। और ये कस्टम सेटिंग्स हैं जिन्हें मैंने खुद ट्यून किया है। आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट सेटिंग्स और इस कस्टम सेटिंग में कितना डिफरेंस है। VA पैनल होते हुए भी इस टीवी का कंट्रास्ट ज्यादा अच्छा नहीं है। ब्राइटनेस ज्यादा करने पे स्क्रीन पे एक फॉगी लेयर आ जाती है जिसकी वजह से ब्राइटनेस को 48 के आसपास ही रखना पड़ता है। और सबसे खराब बात यह है कि डिफॉल्ट सेटिंग्स में लोकल डिमिंग ऑटो स्विच ऑन नहीं होती है। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर लोकल डिमिंग मैन्युअली स्विच ऑन करनी पड़ती है। लोकल डिमिंग स्विच ऑन करने पे ही पिक्चर्स में लाइफ आती है। और दूसरी बात, इस टीवी की सेटिंग्स मैल फंक्शन करती हैं। एक ही सेटिंग्स को दोबारा अप्लाई करने पे कभी कभी जो परफॉर्मेंस कुछ देर पहले मिला था वो नहीं मिल पाता है। सेम सेटिंग्स पे भी कई बार सीन की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ये HDR सेटिंग्स हैं,
मैं एक एक करके आपको सब अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप खुद देख लीजिए कि किसी भी सेटिंग में टीवी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। HDR स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस मिल जाती है, लेकिन पिक्चर्स अट्रैक्ट नहीं करती हैं। HDR स्पोर्ट्स सेटिंग पे ही आप कस्टम सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। बिना लोकल डिमिंग ऑन किए पिक्चर्स लाइफलेस लगती हैं और ऑन करने पे ब्राइटनेस कम हो जाती है, लेकिन पिक्चर्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं। तो HDR स्पोर्ट्स मोड में अगर आप ये सेटिंग्स अप्लाई कर लेंगे तो आपको इस टीवी की बेस्ट HDR सेटिंग्स भी मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी डार्क सीन्स में उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो एक अच्छे HDR टीवी में मिलनी चाहिए। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन भी कंटेंट्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। YouTube के 4K वीडियोस में काफी वाइब्रेंट कलर रिप्रोडक्शन मिल जाता है, लेकिन दूसरे एप्लीकेशंस में उतना सैचुरेशन लेवल नहीं मिल पाता है। ब्राइटनेस कम होने की वजह से कलर्स ब्राइट नहीं दिखते हैं, उनमें एक डार्कनेस दिखाई देती है। टीवी के पास जाने पे कुछ 4K वीडियोस में लाइट कलर बैकग्राउंड पे बैंडिंग और पिक्सेलेशन भी दिखता है। ब्राइट सीन्स में ये टीवी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। प्रॉब्लम आती है डार्क सीन्स में, जब ये टीवी अपनी नेटिव ब्राइटनेस भी सस्टेन नहीं कर पाता है। मैंने इसी दूसरे टीवी के साइड में रखकर पूरी कोशिश की है कि मैं इस तुशिबा टीवी की बेस्ट सेटिंग्स करके डार्क सीन्स को और बेटर कर दूं, लेकिन डार्क सीन्स में इससे बेहतर परफॉर्मेंस देना इस टीवी की कैपेबिलिटी के बाहर है। डार्क सीन्स देखने के लिए ये इस टीवी की बेस्ट सेटिंग्स है जिन पे आपको इसका हाईएस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। डार्क सीन्स देखते हुए इस टीवी में बड़ी बड़ी डिटेल्स खो जाती हैं जो आप रियलाइज भी नहीं करते कि सीन में एग्जिस्ट करती हैं। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम के डार्क सीन्स इस टीवी पे काफी अंधेरे दिखते हैं जो कई बार इरिटेट करते हैं। टीवी में बैंडिंग और पिक्सेलेशन के अलावा डार्क सीन्स में कई बार डिजिटल नॉइज भी बहुत ज्यादा विजिबल होती है। इस टीवी पे वो व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है जो एक डॉल्बी विजन और HDR 10 टीवी से एक्सपेक्ट किया जाता है। इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दोनों टीवीज में जलती हुई लाइट्स की इंटेंसिटी में भी फर्क दिखेगा। ये फर्क टीवी में लगी LEDs की क्वालिटी की वजह से होता है। ये वही फर्क है जो फिलिप्स की LEDs और दूसरी किसी सस्ती सेम वॉट की LED के बीच होता है। इसके अलावा आप इन दोनों टीवीज पे चलते सबटाइटल्स को देखिए। तोशिबा के इस टीवी का बिल्कुल अजीब बिहेवियर है। सबटाइटल्स में आप खुद देख लीजिए कि कुछ पिक्सेलेशन होकर जिटरिंग भी दिखाई देती है, और ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये दिखाई दे। मैं इस टीवी से किसी हायर ब्रांड के टीवी जैसा परफॉर्मेंस देने की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूं। लेकिन एक फॉल्ट टीवी से एक नॉर्मल 4K टीवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कोई नाजायज बात नहीं है, और ये टीवी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता है। एक फॉल्ट टीवी जो 120 डिमिंग जोन्स के साथ आ रहा हो, उसे डॉल्बी विजन और HDR कंटेंट्स के डार्क सीन्स को अच्छे से डिस्प्ले करना चाहिए। और फिर मेरी ओपिनियन में एक 470 निट्स के अराउंड ब्राइटनेस देने वाले टीवी में फॉल्ट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फॉल्ट का कुछ तो पॉजिटिव इफेक्ट टीवी के परफॉर्मेंस में दिखना चाहिए था, नहीं तो इसे मार्केटिंग गिमिक्री के सिवा और क्या कहा जाए। रही सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की बात, तो HD चैनल्स इस पे अच्छे दिखते हैं और HD चैनल्स को भी आप कंफर्टेबली देख सकते हैं। मैंने इस टीवी को हाइसेंस E7K जो एक नॉर्मल 4K टीवी है उससे कंपेयर करके भी देखा। हाइसेंस के उस टीवी का डॉल्बी विजन HDR परफॉर्मेंस इस तोशिबा फॉल टीवी से बेटर है। ये आप खुद देख लीजिए कि वो हाइसेंस टीवी डार्क सीन्स में बेटर ब्राइटनेस डिस्प्ले कर रहा है। और जो ये समझ रहे हैं कि ये टीवी हाइसेंस की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बन रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि ये टीवी इंडिया में ही डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज तिरुपति आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जहां और भी कई ब्रांड्स अपने टीवीज मैन्युफैक्चर करवाते हैं। हाइसेंस की वो क्वालिटी जो पहले देखी जाती थी वो शायद इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि चाइना में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां इनके टीवीज पहले मैन्युफैक्चर होते थे वो यहां से बेटर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी से इक्विप था। और फिर प्रॉब्लम इनके फॉल्ट टीवीज में ही देखी जा रही है। नॉर्मल 4K टीवीज अभी भी अपने पैसों के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस देते दिख रहे हैं। हो सकता है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अभी फुल अरे लोकल डिमिंग वाले टीवीज बनाने में उतने एक्सपर्ट ना हो, क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया में बजट कैटेगरी में हाइसेंस को छोड़कर कोई भी दूसरी कंपनी फॉल्ट टीवीज नहीं बनवा रही है। आप मेरे हाइसेंस कंपनी के टीवीज के सारे रिव्यूज उठाकर देख लीजिए, इनके सारे नॉर्मल 4K टीवीज के रिव्यूज आपको अच्छे ही मिले।
लेंगे, बस प्रॉब्लम आती है इनके फॉल टीवीज में क्योंकि वो मुझे प्रिसिशन से बने नहीं दिखते हैं। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो हालांकि इस टीवी में VA पैनल दिया गया है, इसके साइड एंगल्स अच्छे हैं, बस बहुत एक्सट्रीम एंगल्स पे शिफ्ट होने पे ही कलर्स डिग्रेड होते हैं और ब्लैक्स फेड हो जाते हैं। अगर आप इस टीवी को 40 से 45 डिग्रीज तक भी देखेंगे तो पिक्चर्स अच्छी दिखेंगी। जहां तक मोशन कंट्रोलिंग कैपेसिटी की बात है तो हालांकि इस मोशन ब्लर टेस्ट में ट्रेन पे लिखे वर्ड्स में किसी 120 हर्ट्ज टीवी के मुकाबले ब्लर दिखता है, लेकिन कंटेंट्स देखते समय मोशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं दिखता है। सच पूछिए तो 120 हर्ट्ज टीवीज और 60 हर्ट्ज टीवीज में नॉर्मल कंटेंट्स देखते समय मुझे कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता है क्योंकि मोस्टली सारे ही कंटेंट्स 24 फ्रेम पर सेकंड या फिर 30 फ्रेम पर सेकंड में ही बने होते हैं, तो वहाँ टीवी का रिफ्रेश रेट जितना भी ज्यादा हो वो काम नहीं आता है। बस 120 हर्ट्ज वाले टीवीज में कैमरा पैनिंग सीन्स में सीन ट्रांजिशन ज्यादा स्मूथ होता है बिना किसी जिटरिंग के। इस टीवी की अच्छी बात यह है कि इसमें HDMI 2.1 पोर्ट दी गई है जो 120 फ्रेम पर सेकंड तक का वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। जहां तक ऑडियो की बात है तो टीवी की ऑडियो काफी लाउड और क्लियर भी है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस का कोई नोटिसेबल इफेक्ट इस टीवी पे सुनने को नहीं मिलता है, जो अनयूजुअल नहीं है क्योंकि टीवी के स्पीकर्स के थ्रू आपको डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट नहीं मिल सकता है। इस टीवी पे कुछ कंटेंट्स में अच्छा बेस भी सुनने को मिल जाता है और फिर इस टीवी में HDMI EARC भी दी गई है जिससे आप किसी भी अच्छे डॉल्बी होम थिएटर सिस्टम को इस टीवी से कनेक्ट करके कुछ हद तक डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फुल डॉल्बी एटमॉस एक्सपीरियंस के लिए आपको रेयर स्पीकर्स के साथ साथ सीलिंग स्पीकर्स की भी जरूरत पड़ेगी। खिलौने बच्चों का बचपन छीन रहे हैं और आप मेरा धंधा, मेरे उसूल मेरे धंधे से बढ़कर है, तो कोई उपाय नहीं है ना, अपना धंधा बंद कर दे। इसलिए हम राज के पापा के पास आए, सर को हमारे बारे में सच बता देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक चपेट लगाएंगे। या तो कोई भी नहीं है, He's a busy man, must be in a meeting. तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। यकीन नहीं होता उस कैफे वाले को पता था हम कौन है। इसकी आदत डाल लो, कल स्कूल में और भी बुरा हाल होगा। अतीत से ऐसे चिपके हो जैसे वो तुम्हारी जान बचा ले, तुम पुराने जमाने का सड़ा गला माल हो डायनासोर की तरह। रही स्मार्टनेस की बात तो ये टीवी वीडा OS के साथ आता है जिसमें बाहर के एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की लिबर्टी नहीं मिलती है। इसमें आप वही एप्स यूज कर पाएंगे जो कंपनी प्रीलोडेड भेजती है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, Z5 जैसे एप्स मिल जाते हैं, लेकिन डिज्नी हॉटस्टार नहीं मिलेगा, जिसको देखने के लिए आपको एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर टीवी स्टिक की जरूरत पड़ेगी ही। इस टीवी के साथ कंपनी अमेजोन फायर टीवी स्टिक भी नहीं दे रही, इसीलिए उसे खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा 4200 खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप इस टीवी को किसी HDMI सोर्स से न यूज करके इसी के प्रीलोडेड एप्लीकेशंस के थ्रू कंटेंट्स देखेंगे तब एक प्रॉब्लम आएगी। ये टीवी हर बार इसी स्क्रीन पे खुलता है। होम स्क्रीन पे जाने के लिए आपको रिमोट में दिए गए होम बटन का यूज करके स्विच ओवर करना पड़ेगा, जो थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है। हाइसेंस E7K Pro में भी वीडा दिया गया था, लेकिन वो टीवी डायरेक्टली होम स्क्रीन पे ही खुलता था। पता नहीं इस टीवी में ऐसा क्यों है। रही गेमिंग की बात तो इस टीवी पे गेमिंग के लिए HDMI 2.1, ALLM और VRR दिया गया है। हालांकि टीवी का रिफ्रेश रेट 60 हर्ज ही है, लेकिन HDMI 2.1 में 120 फ्रेम पर सेकंड का सपोर्ट दिया गया है। आप इस टीवी पे 48 हर्ज से लेकर 120 हर्ज के वेरिएबल रिफ्रेश रेट पे गेमिंग कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हार्डकोर गेमर भी हैं तब भी ये टीवी आपको बहुत हद तक सेटिस्फाई कर देगा। आप इस टीवी पे गेमिंग कंफर्टेबली कर सकते हैं, इसमें कोई फ्रेम ड्रॉप या स्टटरिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है और ना ही कोई मोशन ब्लर परेशान करता है। बस HDR गेमिंग करते समय विजुअल्स उतने ज्यादा ब्राइट नहीं लगते हैं। टीवी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये एक फॉल टीवी है जिसके परफॉर्मेंस से कस्टमर्स को काफी उम्मीदें होती हैं, लेकिन ये टीवी उन उम्मीदों पे खरा उतरता नहीं दिखता है। ये टीवी नॉर्मल कंटेंट्स देखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन OTT कंटेंट्स देखने के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि उनमें डार्क सीन्स बहुत ज्यादा होते हैं। और तब अगर आप इसे परफेक्ट टीवी मानकर खरीदे हुए हैं तो आप भी मेरी तरह डिसअपॉइंट ही होंगे। इसके प्राइस को देखते हुए इसका परफॉर्मेंस जस्टिफाइड नहीं होता है।
कंपनी ने इस 55 इंच वेरिएंट को 60K में लॉन्च किया था, फिर उसे रिड्यूस करके 55 किया और अब ये विदाउट डिस्काउंट 51K में मिल रहा है। आपके पैसे की इससे बेटर वैल्यू इसी कंपनी का हाइसेंस E7K टीवी देता है, जो पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो दोनों ही फ्रंट्स पे इससे बेटर परफॉर्म करता दिखता है। मैंने उस टीवी का रिव्यू भी किया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो इस टीवी को ऑलरेडी ले चुके हैं वो मेरी दी गई सेटिंग्स अप्लाई करके देख लें, उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अपग्रेड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इन सेटिंग्स की लिंक दी है, आप उसे क्लिक करके सारी सेटिंग्स अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।